के लिए क्या फिटनेस को लेकर आपने कितनी मेहनत की है, क्या प्रिपरेशन चल रही है, स्पेशली फिटनेस को लेकर बात करते हैं। देखिए, जब मैं ये मूवी शुरू करने से पहले, इससे पहले जो मैं मूवी कर रहा था इनोसेंट, उसके अंदर मेरा वज़न बहुत ही ज़्यादा था। आई थिंक सो 90-92 kg था, मेरी बॉडी में फुल फैट थी। फिर मेरे को धनंजय गलानी जी मिले, उन्होंने बोला कि आपकी ये मूवी के अंदर बॉडी दिखानी है हॉन्टेड इविल डेड में, अब क्या करेंगे। मैं क्या, मुझे 2 महीने का वक्त चाहिए। देन मैंने फटाफट अपने ट्रेनर को बोला, जो योगेश भटेजा है, जो सोनू सर को करवाते हैं, फरा मैम को करवाते हैं, कपिल, सुनील ग्रोवर और भी कई लोगों को करवाते हैं, कि सर अब फटाफट मेरी बॉडी आपको रेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि बॉडी पूरी आउट ऑफ टाउन हो चुकी है, अब क्या करना है। तो मैंने तो ये पहले ही बोला था, मत खराब कर बॉडी, मत कर, बना के रख। फिर योगेश जी ने मेरी बहुत मदद की, उन्होंने 2 महीने के अंदर मेरी बॉडी को पूरा फिट किया, एक लेवल पे लाया, पूरा 8 packs लाए। अब देख सकते हो मेरा बाइसेप, पहले ये बाइसेप भी नहीं था, ये पूरा फैट से भरा हुआ था। अब फाइनली ये कि मेरी बॉडी सेट हुई है और अब मैं इसको मेंटेन करना चाहूँगा। तो फिटनेस को लेकर किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं आप, एज अ फिटनेस गुरु किसे मानते हैं आप? अगर इंडस्ट्री के अंदर देखा जाए तो एक ही है फिटनेस को जो फॉलो करता है, वह सोनू सर। अगर उनकी बॉडी दूर से देख ली जाए, बस ऐसे ही, आपने दबंग में देखी होगी उनकी बॉडी, बस टी शर्ट उतारी, सारों को खा जाते हैं वो, तो सोनू सर इज़ द बेस्ट। इसके अलावा बिग बॉस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बिग बॉस में पहले भी आपको कॉल्स आ चुके हैं बिग बॉस को लेकर, और केस भी हुआ था आपके ऊपर, उसके बारे में क्या कहना? देखिए, मुझे 2-3 बार चैनल से भी कॉल आए थे, और जब मेरे ऊपर इन्होंने, आई थिंक सो कोई न्यूज़ वाले थे जिन्होंने मेरे ऊपर लीगल नोटिस का एक निकाला था, तो मैंने उनको भी उस वक्त यही बोला था कि मेरे पास ऑलरेडी इनके 2 साल से मैसेज आए हैं, मेरे पास वो प्रूफ भी पड़े हैं, और आप मेरे ऊपर फालतू में ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं बिग बॉस में जाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है बिग बॉस में जाने के लिए। मेरी ऑलरेडी दिस ईयर 3 मूवी ऑन फ्लोर है, और मेरी रिलीज़ होने वाली है, पहली इनोसेंट है, सेकेंड वन हॉन्टेड इविल डेड है, एंड थर्ड वन इज़ जिंदगी तुमसे है। तो मुझे कोई शौक नहीं है जाने का। अगर कॉल आएगा, मेरा काम है, मैं एक्टर हूँ, मुझे जहाँ बुलाओगे मैं नाचने भी आऊँगा, रोने भी आऊँगा, हर चीज़ पे मैं आऊँगा, बुलाओगे तो मैं आऊँगा, कोई फ़र्क नहीं है भैया। मतलब कह सकते हैं कि बिग बॉस 12 अगर आता है तो आपको अगर कॉल आता है बिग बॉस 12 से तो आप ज़रूर जाना चाहोगे? हाँ, मैं जाना चाहूँगा, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं नहीं जाना चाहूँगा। अगर मैं फ्री हूँगा तो मैं बिल्कुल जाऊँगा, अगर नहीं फ्री हूँगा तो मैं नहीं जा पाऊँगा। तो मरीना पहले बिग बॉस का एक्सपीरियंस ले चुकी है, तो कोई एक्सपीरियंस उनसे शेयर करना चाहेंगे आप, मतलब उनसे कोई बातें या टिप्स लेना चाहेंगे? कुछ नहीं, बस जब मरीना गई थी बिग बॉस के अंदर, उसने मुझे बताया था कि घर एक तरह का पूरा कैमरों से भरा पड़ा है। अगर आप सोचते हो ना कि वहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप ऐसे भी देख रहे हो ऐसे, अब वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आपको अपने करेक्टर में ही रहना पड़ेगा। अगर आप ज़रा से आपने कोई हरकत की, आप कैमरे में कैच हो जाओगे। तो मुझे, मैं काफ़ी 3-4 साल से मैं सीज़न को फॉलो कर रहा हूँ और मैं देखता भी आ रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। अगर कॉल आता है देन मैं जाने के लिए रेडी हूँ। ऐसे भी होता है कि कपल को भी जो है भेजा जाता है बिग बॉस के अंदर, तो आपको और मरीना को भेजा जाए तो क्या होगा? फिर तो कितने कपल मेरे साथ बन जाएंगे यार, ऐसे मत करो यार। अगर इस बार कपल की थीम आएगी, अगर वो मुझे बुलाएंगे देन आई एम रेडी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये देखना कि कौन सा कपल ढूंढोगे, अभी और भी कपल हैं जो अभी तक इंडस्ट्री में हाइप नहीं हुए हैं मेरे साथ, अगर वो आएंगे तो आप देखना किसको भेजोगे, कहाँ से आपको ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगी। ओके, आखिर में जाते जाते 3 प्रोजेक्ट तो ऑन फ्लोर है, इसके अलावा कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप? इसके बाद एक और हमारी मूवी ऑन फ्लोर जाने वाली है, तो उसका भी मैं नाम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हम इस यही पिछली मूवी की शूटिंग के लिए अभी हम USA में जा रहे हैं, वहाँ पे हमारा सारा सेटअप लगा होगा, तकरीबन मूवी कंप्लीट हो चुकी है, 30% जो शूट है वो USA के अंदर होगा, वो हम अभी आई थिंक सो नेक्स्ट मंथ जाने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है और मूवी कितनी हिट करती है, मार्केट क्या बोलती है, क्योंकि सीरियल का सफ़र अब बॉलीवुड में एंट्री मार रहा है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।